नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं सूर्या न्यूज नेटवर्क, जन जन की आवाज़, और मैं हूँ सोनू झा। आपको बता दें, जहाँ लोक जनशक्ति पार्टी के रामविलास पासवान के जो बड़े बेटे हैं चिराग पासवान, और हमारे दरभंगा के जिला अध्यक्ष देवेंद्र कुमार झा के नेतृत्व में, और हमारे दरभंगा के जो जिला अध्यक्ष हैं रूबी कुमारी, और अनेक कार्यकर्ता हायाघाट प्रखंड के भी जो प्रखंड अध्यक्ष हैं, सभी आए हुए थे आनंदपुर में विद्यापति पर्व समारोह, जहाँ विद्यापति को माल्यार्पण कर, जहाँ मौके पर जितनाथ चौधरी, किसके इंतजार में रुके हुए दास, मुकेश पासवान, अनेकों लोग मौजूद थे। वहीं बहेड़ी जाते क्रम में उन्होंने बेसब्री से इंतजार ये सब कर रहे थे। एक बजे का टाइम था, वो दो घंटा लेट आए। आखिर जाम की समस्या के कारण सभी देख रहे हैं, उनके जो कार्यकर्ता हैं सभी लगे हुए हैं, उनकी आशा देख रहे हैं कि आखिर कब तक वो आएंगे। मौके पर पहुंचे सभी अतिथिगण, आप देख सकते हैं हमारे चैनल के माध्यम से, यहाँ से बहेड़ी तक दरभंगा जिला के जितने भी हैं सभी चिराग पासवान के आए हैं। अब सबसे बड़ा सवाल ये हो जाता है कि आखिर बिहार में वो सबसे एकाएक आने का सबसे बड़ा कारण क्या हो सकता है? आखिर ये इसे राजनीति मुद्दाबाजी माना जाए या इसे क्या? सजना पासवान ने क्या कुछ कहा, देखिए हमारी खास रिपोर्ट। और बिहार में जिस तरह से अभी हो रहा है राजनीति, सरकार की बात करें और बिहार पुलिस की बात करें, बिहार पुलिस लगातार अपनी काम कर रही है। और अगर मनीष कश्यप यूट्यूबर की जब बात करें, तो बड़े बड़े टीवी चैनल अखबारों के माध्यम से मैं कुछ नहीं कहना चाहूँगा। सुनिए हमारी खास रिपोर्ट, पूरी रिपोर्ट, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाएं। मालार्पण होगा, इसलिए हम लोग सभी से इंतजार करें। सभी साथी मिल के, सभी कार्यकर्ता मिल के हम लोग आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को भव्य स्वागत करना चाहते हैं। तो अभी जो बिहार में जिस तरह से हो, अभी का उनके आने का क्या मकसद हो सकता है? बिहार में जिस तरह से राजनीति मुद्दा है, उस तरह जैसे मनीष कश्यप पे केस हुआ है अभी की डेट में, या बहुत ऐसे होते रहते हैं, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? कोई करना सिधाली पंचायत के जो अध्यक्ष हैं वो अब क्या कुछ कहते हैं, देखिए। जी बताइए, आज आप लोग यहाँ पे जो आए हुए हैं, किस मकसद से, बहुत कितने देर से रुके हुए हैं, और क्या ऐसा है कि कभी कितने लोग हैं, कौन कौन आए हुए हैं यहाँ पे? हमारे बीच में पंचायत सचिव, हम लोग श्री चिराग पासवान जामुई सांसद का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। मेरा अध्यक्षता में यहाँ विद्यापति जी को माला अर्पण करने के लिए हम लोग यहाँ इंतजार कर रहे हैं कि वो जल्द से जल्द यहाँ आएंगे और माला अर्पण करेंगे। क्या नाम है? मेरा नाम संजना पासवान, जिला जी। बताइए आप अपना प्रखंड अध्यक्ष क्या कहना चाहेंगे? हमारा राष्ट्रीय अध्यक्ष आदरणीय चिराग पासवान जी का यहाँ आगमन है बहेड़ी में, मिथिला के पावन धरती पर, और हमारे प्रखंड के अंतर्गत अरंगपुर विद्यापति जी का हम लोग माल्यार्पण उनसे करवाएंगे। इसी के लिए हम लोग यहाँ पे रुके हुए हैं। हमारे साथ साथी कार्यकर्ता और प्रखंड पंचायत स्तर के सभी साथी यहाँ एकत्रित हैं, और जिला से भी लोग आ रहे हैं, प्रदेश से भी लोग आएंगे, और इसी क्रम में हम लोग माल्यार्पण करवा के उनको आगे बढ़ेगी तक ले जाते हैं। अभी आने का उनका कुछ अलग मकसद हो, मिलन समारोह है, और हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जहाँ भी आदर सम्मान के साथ उनको बुलाया है वहाँ वो जाते ही है। बिहार में अभी जिस तरह से आप अगर सही देखते हैं या सही चलाते हैं, अभी मनीष कश्यप के बारे में सुने होंगे बहुत सारी बात, ये तो जग जाहिर है, मनीष कश्यप जी को बताया जा रहा है हमारे आदरणीय, क्या लग रहा है विरोध किया है बिहार सरकार का, यह गलत कुछ है। तमिलनाडु विषय पर या सच्चाई दिखाने पर यूट्यूबर करके उनको गलत बताया गया। मनीष कश्यप सही आदमी है, लोगों का आवाज़ उठाते हैं, गरीब लोगों का आवाज़ उठाते हैं, हम लोग उनके साथ। क्या लग रहा है चिराग जी कहीं ना कहीं सपोर्ट पूरा कर रहे हैं? जरूर, चिराग जी अपने भाषण में और अपने हर जगह उनका समर्थन किए हैं। मनीष कश्यप भी अच्छे आदमी हैं, लोग जो आपके पार्टी के पुराने लोग थे जैसे, वो लोग हट के अपने दूसरे पार्टी में चले गए, आखिर वो सब एकजुट होंगे या शीर्ष नेतृत्व का बात है? हम लोग इतना ही जानते हैं कि आदरणीय चिराग पासवान जी रामविलास पासवान का धरोहर है,
और उनका समर्थन ही हम लोगों का विशेष मकसद है। क्या नाम हुआ आपका? अनिल कुमार पासवान, प्रखंड अध्यक्ष भाया मीडिया वाले। तो जो बड़े बड़े चैनल हैं या बड़े बड़े अखबार हैं तो उसे भी यूट्यूबर उसे ज़्यादा कमाते हैं, गलत है, प्रशासन उसे गलत मानती है। प्रशासन की नज़र में वो अगर गलत है तो हाँ, बहुत प्रशासन अपनी काम कर रही है, क्योंकि अभी कहीं ना कहीं जनता का विश्वास आज ही पुलिस पे है कि हम कॉल करेंगे तो पुलिस आ जाएगी। वो जब जनता के काम कर रहा है और नेता के काम कर रहा है वहाँ तो वो अपना है, प्रशासन के कानून के हवाले में चला गया, कानून जो चाहेगा वो होगा। इसमें ना हम उनका एगेंस कर सकते हैं ना उनका हम सपोर्ट कर सकते हैं। मेरी पार्टी जो है क्या लग रहा है चुनाव फर्स्ट बिहारी फर्स्ट, क्या लग रहा है इस बार चुनाव यात्रा में जो चुनावी होगा इसमें क्या लग रहा है सरकार किसकी बनेगी? उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं, और जो गलत होगा वो गलत होगा, जो सही होगा वो सही का होगा। कानून किसी को न छोड़ा है, हम मीडिया के बारे में कुछ कहीं नहीं बोल सकते। क्या नाम हुआ? मेरा नाम कृष्णदेव यादव, पंचायती राज प्रकोष्ठ जिला अध्यक्ष।